छात्रों, आज हम जो ऊतक वाला हमारा लेसन चल रहा था उसका भाग दो पढ़ेंगे। अभी हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा, सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पादप का जटिल स्थायी ऊतक। जो पादप ऊतक में जटिल है, तो जटिल ऊतक को दो भागों में बांट सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है? जाइलम क्या है? विशेष चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जाइलम का जो कार्य है वो जड़ों से, जमीन से पानी और खनिज लवणों को लेते हैं और पौधों के पूरे ऊपरी हिस्से तक पहुंचाते हैं, यह है जाइलम। तो जो जाइलम के जो घटक हैं, जाइलम के जो घटक हैं, ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। मतलब ये स्थायी ऊतक हमेशा पौधों में पाए जाते हैं। तो इसका जो पहला घटक है वो है ट्रेकीड। एक ट्रेकीड कोशिकाएं होती हैं, ट्रेकीड। दूसरा है वाहिका। एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा। इसका जो एक छोटा घटक है जाइलम पैरेन्काइमा वो है जाइलम फाइबर। चार कोशिकाओं से मिलकर एक जाइलम की रचना होती है। आप यहाँ पर देखेंगे एक चित्र के द्वारा कि देखेंगे जाइलम जो हमने चार घटक बताए हुए हैं, ट्रेकीड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर भी होते हैं, जिसका चित्र यहाँ नहीं दिया है। तो इस प्रकार ये जो ट्रेकीड है ये देखिए छिद्र पाए जाते हैं और ये जाइलम एक के ऊपर एक जमे रहते हैं, तो बीच में एक पाइप जैसी, खाली पाइप जैसी रचना बन जाती है और ये नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचाते हैं। ये वाहिका है, इसमें भी छिद्र पाए जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये है जाइलम के घटक। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? जाइलम के घटक तत्व है, घटक कोशिकाएं। ये इस प्रकार जो अगला आता है होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम उल्टा है, ये जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस पत्तियों से बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। तो ये जो फ्लोएम है ये भी पांच प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक है चलनी नलिका, चलनी कोशिकाएं भी होती है इसमें। नाम से ही समझ में आ रहा है चलनी, इसमें छेद होते हैं। एक इसमें होती है सखी कोशिका कंपेनियन सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाया जाता है यहाँ पर, ही आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कुछ होते हैं इसमें फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम रेशे भी बोल सकते हैं। इस प्रकार की जटिल ऊतक ये पांच प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं और जो फ्लोएम है इसमें छेद छेद पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये चलने का निकालने वाली जाती है। तो फ्लोएम का जो कार्य है वो कार्य है कि पत्तियों में बने हुए भोजन को
पूरे पौधों के पूरे शरीर में पहुंचाना है और ये भोजन इकट्ठा हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था पादप ऊतक, अब हम आज पढ़ेंगे जंतु ऊतक। तो जो जंतु ऊतक है इसको हम अभी चार भाग पढ़ेंगे कक्षाओं में। अभी एक है एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो हमारे शरीर के बाहरी स्तर को बनाता है, बाहरी अंदर के अंग है उसका भी बाहरी स्तर बनाएगा हमारे, और ये कई प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक रक्त, इसलिए रक्त हमारा क्या है, संयोजी ऊतक है। और पेशीय ऊतक चिकनी पेशियां, आरेखित पेशियां जो कि हमारे शरीर को हिलाने डुलाने के काम आती है। तंत्रिका ऊतक जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियम ऊतक के बारे में। तो ये एपिथेलियम जो ऊतक है ये शरीर में सबसे ऊपरी जो शरीर की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत बनेगी और शरीर को ढकने का कार्य करेगी, और शरीर के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान भी इसके ऊतक के द्वारा होगा, एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होगा। आदान प्रदान होता है, ये कुछ शल्की एपिथेलियम है ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, शरीर के अंदर के कुछ अंगों में भी पाए जाते हैं। घनाकार आकार कोशिकाएं जमी हुई रहती हैं। इस प्रकार ये एक होता है, ये भी शल्की ऊतक स्तंभाकार, इसमें ऐसे लंबे लंबे स्तंभ जैसे हमारी आंत में स्तंभ पाए जाते हैं, कभी कभी इसमें रेशे भी पाए जाते हैं। स्तरित सल्की, जैसे कि हमारी त्वचा कई परतों से बनी हुई रहती है और ये शरीर की त्वचा को कटने और फटने से बचाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऊतक हैं ये कई प्रकार के होते हैं और विभिन्न अंगों में कार्यों के अनुसार ये पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस छह प्रकार के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सरल सल्की एपिथेलियम। तो जो इसकी कोशिकाएं होती हैं पतली और चपटी होती है, पतली और चपटी कोशिकाएं, और ये हमारे जो आहार नाल है वह हमारा जो मुंह है उसका अस्तर बनाती है, मतलब उसकी बाहरी परत बनाती है। सरल सल की एपिथेलियम से हमारे आहार नाल और मुंह का अस्तर बनता है। दूसरा है स्तरित सल की एपिथेलियम, हमारे बाहर की जो शरीर की त्वचा है वो स्तरित सल की एपिथेलियम की बनी रहती है। शरीर की बाहर त्वचा में ये वाला ऊतक पाया जाता है। और जो स्तंभाकार एपिथेलियम है ये हमारी आंत की कोशिका में पाई जाती है।
है पक्षमागी स्तंभाकार एपिथेलियम, जो स्तंभाकार ऊतक है उसमें छोटे छोटे पक्ष्म पाए जाते हैं, जिससे कि जैसे जो हमारी श्वास नली है, श्वास नली का जो अस्तर है श्वास नली का जो अस्तर है उसमें हवा अंदर जाती है बनाने में ये पक्षमापी स्तंभाकार एपिथेलियम का उपयोग किया जाता है। और ये जो घनाकार एपिथेलियम है ये हमारा जो किडनी है व्रत नली का जो स्तर बनता है वो घनाकार एपिथेलियम से बनता है। इसके बाद ग्रंथियल एपिथेलियम हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो बहु कोशिकीय ग्रंथियां होती हैं उनको मैं ग्रंथिल ऊतक ग्रंथिल एपिथेलियम का उपयोग किया जाता है। जंतु ऊतक का पहला ऊतक पढ़ा एपिथेलियम ऊतक, अगले ऊतक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इस प्रकार इस पाठ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम के कार्य बताइए, फ्लोएम के संघटक तत्व पांच कोशिकाओं से मिलकर बना है और एपिथेलियम के आपको क्या बताना है कार्य। धन्यवाद।